हाँ करो, गुड, करते रहो। हाँ ये देखो। तो भाई जिंदगी में पहली बार नदी के किनारे ऐसे व्यू पे बैठकर चाय पीने का मजा ही कुछ और है यार। अब हम लोग सीधा जो है चितकुल निकलेंगे। मेरे वीडियोस बड़े हो जाते हैं वो अलग बात है, लोगों को शायद कुछ लोगों को पसंद भी ना आते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेचुरल चीज़ें जो एक्चुअल में हकीकत है, डाउन टू अर्थ जो ज़मीन पे है, वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ताकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ दिखा दूँ और आप कभी इन फ्यूचर अगर आप आते हो ऐसे प्लेसेस पे विजिट करते हो तो मीन्स कि ऐसा हो जाए कि अरे यार ये बंदे ने तो ऐसा वीडियो दिखाया था और ये बंदे ने चूतिया बना दिया अपने जो है व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में। मोहित भाई हैं, मोहित भाई से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर आप लोग आना चाहते हो तो। इनका होम स्टे बहुत ही प्यारा है, दिखावे पे मत जाना, चमक धमक पे मत जाना, इनका होम स्टे एक नंबर है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने पानी गर्म दिया पीने के लिए, नहाने के लिए पानी दिया, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है यहाँ की, सारे पाइपलाइन जम चुके हैं, तो लेकिन इन लोग अपने घरों में रेगुलर पानी को कंटिन्यू करके रखते हैं ऑन करके, ताकि जो है इनका पाइप से पानी निकलता रहे और वो ब्लॉक ना हो, तो इसकी वजह से पानी सबको इजीली मिल जाता है। मैं तो भाई नहा चुका हूँ, सुबह सुबह 8 बजे के पहले नहा लिया था मैं। मेरा नाम मोहित नेगी, होम स्टे का नाम आकांक्षा होम स्टे रक्षम। अगर कॉन्टेक्ट करना है तो कॉन्टेक्ट नंबर 8219141854। देख सकते हो आप लोग चितकुल करीब यहाँ से है, कन्फर्म बताता हूँ, 6 किलोमीटर। और ये है हमारे बॉर्डर एरिया है ये, छह जंगलों के पास में आप देखोगे तो हमारे मिलिट्री का पूरा बेस कैंप है। और ये चितकुल का यहाँ से 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर पहले की ये वादियाँ हैं। अब दोनों पहाड़ पे स्नो रेगुलर हमें मिलने स्टार्ट हो जा रही है। बर्फ से ढकी हुई पूरी चोटियां हैं यहाँ की, दोनों साइड में बर्फ पूरी की पूरी कवर्ड करके रखी है वैली को, और करीब 5 किलोमीटर में और चलना होगा, उसके बाद में हम पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर। सब स्नो से कवर्ड है, टोटल स्नो से कवर्ड है। आप लेफ्ट देख लो, राइट देख लो, कहीं भी देख लो। ये खूबसूरत वादियाँ ही पूरा, क्या ही बताऊँ यार, क्या ही बताऊँ। अगर हम ये साइड में देखेंगे तो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ पहाड़ ऊपर से लेकर नीचे तक, और ये साइड में नदी आती हुई। इंडिया लास्ट विलेज चितकुल। तो भाई इंडिया लास्ट विलेज चितकुल, वेलकम टू बासपा वैली, इसको बासपा वैली भी बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत वैली है, और इसके आगे हम नहीं जा पाएंगे, कोशिश करेंगे जहाँ तक अगर हमें जाने मिलेगा तो जाएंगे। और ये वादियाँ इतनी खूबसूरत हैं, और यहाँ की हवाओं में इतनी प्योरिटी है, इतनी क्या ही बोलूँ यार, मतलब कि वो जो हवा को फील करके, मतलब दूसरे जगह तो, और यहाँ पे जो फीलिंग्स आती है ना हवा को लेके, वो कुछ अलग तरीके की आ रही है।
ग्राम पंचायत छितकुल आपका हार्दिक स्वागत करती है सौजन्य से अमर उजाला। तो बहुत ही खूबसूरत गांव है और इतने सारे यहां पे होम स्टेज कैंपिंग के लिए तो जगह जब स्नो नहीं होती होगी तो बहुत सारी मिलती होगी इन लोग को। और प्रेजेंट टाइम में तो सब पूरी स्नो से कवर्ड वैली है। हम रिवर साइड में भी जाएंगे नीचे और आपको दिखाएंगे यहाँ का पूरा नज़ारा। हम पहुँच चुके हैं छितकुल। छितकुल हिंदी में बोलते हैं और छितकुल इंग्लिश में बोलते हैं। और धूप अच्छी निकली हुई है, ठंड भी है। हमने पीछे अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ पर हम पहले नीचे जा रहे हैं, देखेंगे। भाई बर्फ़ देख देख के तो दिमाग ख़राब हो गया है। इतने दिनों से बर्फ़ देख के थक गया हूँ। अब ऐसा लग रहा है बस सुकून की वादियाँ मिले, अब कुछ टाइम कहीं बैठें और टाइम एक्सपेंड करें ताकि सुकून मिल जाए। ये छितकुल विलेज है। कैसा लग रहा है आपको आंटी बैठ के यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। आप उड़ीसा से आए हो? नहीं, हम बंगाल से। अच्छा, बंगाल से हो। ओके, कलकत्ता। ठीक है, अभी कुछ देर पहले बाद ना उठोगे तो पूरा गीला हो जाएगा पीछे का। ठीक है, हम उठ जाएंगे। तो ये है यहाँ छितकुल विलेज का प्लेन मैदान, जिसमें लोग, अरे बाप रे, क्या करने आए हैं लोग यार। यहाँ पे स्नो में लेटने के लिए आए हैं लोग यार। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है अभी। ये लो भाई, डांस चल रहा है। ये लो, तो यहाँ पर कुछ लोग बंगाल से, कुछ उड़ीसा से, कुछ बिहार से, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं सीधा रिवर साइड में चलने की कोशिश कर रहा हूँ नीचे तक। है जाने का रास्ता है रिवर साइड में, हम जा भी सकते हैं, और बट संभाल के जाना पड़ेगा। बहुत सारी स्नो है और धूप निकली हुई अच्छी खासी। ठंड तो कम हो गई है धूप की वजह से। तो मैं एकदम पतली सी गलियाँ हैं, रास्ता बना हुआ जाने के लिए, उसी के अंदर से जा रहा हूँ। और कुछ यहाँ पे कैफेज, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से नदी में लेटकर पानी पीने का कुछ अलग मज़ा है यार। इसको मैं ट्राई करता हूँ। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये नदी कंटिन्यू पानी बहता हुआ नदी से, और मैं नदी के किनारे एकदम आके बैठा हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे बैठना। सामने वाली पहाड़ भी पूरी कवर्ड है स्नो से, और मेरे पीछे तो आप देख ही सकते हो, पूरे स्नो से ही आ रहा हूँ मैं। तो ये बच्चे यहाँ से पानी भरते हुए। आपके यहाँ पाइपलाइन पूरा जम गया है? गीजर नहीं लगा है? गीजर क्यों? नाम क्या है आपका? निशा, सॉरी दिशा। यहीं के हो, गांव के? कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? एट्थ में। आप एट्थ में ही? सही है बेटा। स्कूल चालू है कि बंद चल रहा है? चालू है। पढ़ाई होती है स्कूल में? टीचर सब आते हैं? ओके। पानी ठंडा है? अरे हाँ यार, बहुत ठंडा है।
तो भाई साहब जैसा हमने सुना था वैसा ही कुछ हमें जो है देखने को मिला, यहाँ की वादियाँ। और हम आपको लेकर चल रहे हैं लास्ट चाय वाले की दुकान पर, वहाँ पर हम चाय पियेंगे, उसके बाद में चाय का रिव्यू देंगे, फिर हम रिटर्न वापसी कर लेंगे। वो सामने आप दूर तक देख रहे हो चाय वाले की दुकान है। तो ये है चितकुल का रिवर साइड का लास्ट विलेज का लास्ट चाय वाले की दुकान। यहाँ पर सब लोग फोटोग्राफी करते हुए, ये भैया यहाँ पे चाय बना रहे हैं, उनकी चाय की दुकान है जो कि मैं बाहर से दिखा रहा था। मुझे एक बिस्किट दिया इन्होंने टेस्ट करने के लिए, काफ़ी अच्छा नमकीन बिस्किट है। तो आप चाय की रेट बता दो और क्या क्या देते हो आप दुकान का? मैगी, चाय कितने की है, मैगी कितने की है, सब बताओ। इधर ही रहो, क्या रहो, 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 रहो। बोलो। मैगी 40 रुपये। हाँ, चाय 20 रुपये। बिस्किट? ओके। हाँ भाई, इधर आ जाओ, आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी यहाँ पर नीचे आके रिवर के किनारे रुक के चाय पीने का आनंद ले सकते हो तो भैया से मिलो और भैया आपको अच्छी वाली चाय बना के पिलाएंगे। पर यार, हमने तो प्लान किया हुआ है, हम नदी के किनारे एकदम जाएंगे, वहाँ बैठेंगे और वहाँ चाय पियेंगे बैठ के, और कुर्सी पे बैठेंगे, कुर्सी ले जाके बैठेंगे, फिर हम रिटर्न आएंगे तो हम कुर्सी इनकी रिटर्न दे देंगे। ज़िंदगी में पहली बार नदी के किनारे ऐसे व्यू पे बैठकर चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है यार, मज़ा आ गया। अगर हम बात करें चाय की तो 20 रुपए में चाय, बहुत अच्छी टेस्टी चाय बनाई हुई है प्योर दूध की, और यहाँ पर बैठ के चाय पीने का एक अलग ही मज़ा है यार। मतलब मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि ऐसे प्लेस पर मींस की बैठ के। तो भाई, चितकुल गांव जो है यहाँ से करीब 3 किलोमीटर और आगे जाने देते हैं और उसके बाद बॉर्डर है, वहाँ से रिटर्न कर देंगे, हमें जाने नहीं देंगे, तो हम आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। और आगे करीब 25-30 किलोमीटर पहले, सॉरी, यहाँ से जाओगे आगे तो ये गांव वालों का एक कुल देवी का मंदिर है, जिस मंदिर को कुछ टाइम के लिए खोला जाता है, वो टाइम पे बड़ा फेस्टिवल होता है और लोग वहाँ पे जाते हैं पूजा पाठ करके फिर रिटर्न वापस आ जाते हैं। तो हम सीधा आपको लेकर चल रहे हैं माता रानी के मंदिर में और फिर हम आपको लेकर चलेंगे किले पर और फिर हम आपको लेकर चलेंगे बुद्ध भगवान के मंदिर में। हम आपको बाहर से दर्शन करवाएंगे क्योंकि यहाँ पर गांव वालों के अलावा कोई अंदर एंट्री नहीं ले सकता मंदिर में। तो चलिए, आइए, हम आपको लेकर चलते हैं सीधा।
तो ऑलरेडी चितकुल विलेज में माता रानी के मंदिर पर हम आ चुके हैं और हम आपको मंदिर दिखाते हैं। एक्चुअली गांव वालों से हमें पूछना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि इनके रूल्स रेगुलेशन बहुत ही डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट टाइप के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे माता रानी के दर्शन तो नहीं हो पाए, बाहर से मंदिर के दर्शन किए, क्योंकि मंदिर अभी प्रेजेंट टाइम में बंद है। और वैसे पहाड़ों के मंदिर के टाइमिंग होते हैं खुलने और बंद होने के, तो मोस्टली बंद ही रहते हैं, उनका टाइमिंग तो हमें पता नहीं रहता। तभी हम चलते हैं किले पर। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत भवन होता है और इनके यहाँ अलग से रूम बनाया जाता है अगर कोई फंक्शन वगैरह गाँव में ऑर्गेनाइज होता है। अच्छा, ग्राम पंचायत भवन ही है? अच्छा, वही ग्राम पंचायत भवन ना? ग्राम पंचायत भवन तो नीचे है। अच्छा, और ये हमारे फंक्शन भवन। अच्छा, आपका फंक्शन भवन अलग होता है, ग्राम पंचायत अलग होता है। ग्राम पंचायत में जो पंचायत है। तो अभी यहाँ पर कोई फेस्टिवल प्रेजेंट में चल रहा है? आजकल हमारा फेस्टिवल चल रहा है, फागुली बोलते हैं। फागुली? हाँ जी। तो आप ना फागुली के बारे में बताओ, क्या क्या मतलब आप ट्रेडिशनल क्या है उसका और कैसे सेलिब्रेट करते हो, क्या क्या करते हो? हमारा ट्रेडिशनल ये होता है, हम लोग नाचते गाते रहते, खाना वाना बन जाता है यहाँ पे, यही होता है फागुली में। ओके। कितने दिन का ये प्रोग्राम रहता है? ये प्रोग्राम रहता है 8-8 दिन तक भी रह जाता है। अच्छा, एक हफ्ते का चलता है। ओके, तो इसमें सब लेडीज लोग का ही बियर होता है या फिर जेंट्स लोग भी? जेंट्स सारे होते हैं, बच्चे वगैरह सब एंजॉय सब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आपका नाम क्या है? शकुंतला। शकुंतला। आपका आंटी? गंगा देवी। गंगा देवी, जय माँ गंगा। चलो, हेलो बच्चों, बाय करो। हेलो कर, बाय करो, बाय करो, बाय, थैंक यू। चलो अब डांस करो, तुम आता है डांस करने? करो। हाँ करो, गुड, करते रहो, करो डांस, बस हो गया। राशन रखने का स्टोर रूम है और हम आपको लेकर चलते हैं देवी माँ के किले पर ऊपर। किले में ऑलरेडी ताला लगा हुआ है, देख सकते हो, काफी ओल्ड है ये। देवी माता, देवी माँ किला है ना वो? हाँ जी। तो कब खुलता है ये? माघ महीना में। ये आप देख सकते हो बहुत ओल्ड जमाने का ताला है, जमाने का ताला, और लॉक भी कर दिया इन्होंने जबरदस्त वाला। इसकी चाबी जरा दिखाना, ये इसकी चाबी है? हाँ जी भाई, ये ताले की चाबी है, आप लोग देख सकते हो, बहुत खतरनाक है ताला। आप लोग अभी भी मिलता है ये कि पुराने जमाने का बंद हो गया? पुराने जमाने का ही, अब नहीं मिलता ताला? अब नहीं मिलता। तो चाबी तो यहीं रख रहे हो, ताला क्यों मार रहे हो? नहीं नहीं, अभी ऐसे बाद में फिर दोबारा आना ना। अच्छा, दोबारा आना। हाँ जी। मैं आपको दिखाता हूँ भोजपत्र। भोजपत्र के पेड़ बहुत सारे होते हैं यहाँ पर और इन लोग लकड़ी को काट के जलाने के लिए यूज करते हैं। और ये भोजपत्र हमारे दादाजी वगैरह अपने बुक्स में रखते थे। पहले के ज़माने में ऐसा लोग बोलते थे कि इस पे लिखाई पढ़ाई होती थी। और ये पेपर ऐसा है कि इसके पेड़ के छाल को निकालने के बाद में हम कई सालों तक इसको संभाल के रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होता। इसको भोजपत्र का छाल बोलते हैं, बहुत शुभ माना जाता है ये।
हमारे सनातन हिंदू धर्म में। और यहाँ पर तो पूरे के पूरे भोजपत्र के ही लकड़ी हैं, और इतनी अच्छी छाल नहीं निकली है, लेकिन पेड़ों में जो पुराने पेड़ होते हैं उनमें छाल बहुत ज़बरदस्त वाली निकलती है कि आप पूरे बुक्स नोटबुक के जैसा इसको आप पढ़ाई लिखाई में एक्सेस कर सकते हो। ये भोजपत्र का है ना? हाँ जी। ओके। ये रामायण जो लिखा होता है? हाँ रामायण। हाँ पता है, हमारे घर पे हमारे दादाजी अपने इसमें बुक में रखते थे, तो मैं भी इतना निकाल लिया। और निकाल दो पूरा। अरे हाँ, लेकिन निकलेगा नहीं ना, सीधा निकलना चाहिए ऐसे कि किसी काम का हो वो। भाई अब मैं बात करता हूँ इनके गांव में, पहाड़ों में किन्नौर में 8 डेज का एक फेस्टिवल चल रहा है होली का, उसको कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता और खुद गांव के लोग भी उसको रिकॉर्ड नहीं करते, फ़ोटो नहीं क्लिक करते, और सबके यहाँ जा जा के ढोल ताशे नगाड़े सब बजाते हैं, और फिर कुछ लोग एक ट्रेडिशनल ड्रेस वेयर करते हैं, और जो भी अर्निंग होती है फिर होली के दिन या उनका एक कोई डेट फिक्स होता है उस डेट पे पूरा सेलिब्रेट करते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं। बट ये है कि उसको उन लोग रिकॉर्ड नहीं करते, उनका खुद का वो पर्सनल कल्चर है। इसमें भी ऑलरेडी ताला लगा हुआ है, मैं जा सकता हूँ ऊपर तक, मैं तो सिर्फ मंदिर ही देखने आया हूँ। वाह, ड्रैगन करेक्ट। तो ये ड्रैगन है और बौद्ध मंदिर, मुझे इस मंदिर के बारे में बताओ, आपका नाम बताओ। सॉरी, बहुत खूबसूरत नाम है आपका महक जी। तो मंदिर कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है? सुबह 6 बजे खुलता है और शाम 6 बजे। अच्छा, कितने घंटे के लिए? हाँ, एंट्री तो हम लोग को नहीं रहेगा, बाहर के लोगों को। बस ऐसी मतलब पूजा करते हैं उसके लिए। आप लोग जाते हो मंदिर में? जैसे दिया वगैरह जलाना होगा ना। हाँ हाँ, तो जाते, बाकी इसमें जाते। ओके, तो अभी आप क्या कर रहे हो? ये आपका घर है? जी। आपका खुद का घर है ये? तो मम्मी वगैरह सब रहते हैं इसी में? कितने कमरे हैं इसमें? दो। नीचे के ऊपर? ऊपर दो कमरे, नीचे? नीचे तो गाय वगैरह रहते हैं। अच्छा, और डैडी वगैरह क्या करते हैं? पापा इधर ही संभालते हैं मंदिर को। अरे ओके गुड। और मम्मी हाउस वाइफ, आप क्या कर रहे हो अभी? स्टडी। क्या स्टडी कर रहे हो? बायोलॉजी। नहीं, बायोलॉजी में बीएससी कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं, अभी तो तैयारी कर रही हूं। अब 12th कर लिया है आपने? प्लस 2 कर लिया है। ओके, तो कितना साल हुआ तैयारी करते हुए? अभी मतलब स्टार्ट किया। अभी इसी साल से स्टार्ट किया है? तो अभी शहर जाओगे कि यहीं करोगे घर पर ही? अब जाना है कुछ मतलब रामपुर तो नहीं, चंडीगढ़ शिमला। अरे चंडीगढ़ शिमला डायरेक्ट? अरे वाह गुड, ऑल द बेस्ट। मेरा विशेष आपके साथ है, थैंक यू। तो महक जी ने मुझे बताया इनके डैडी पूरा मंदिर का देखभाल करते हैं, और ये भी कभी कभी मंदिर में जाती हैं दिया वगैरह जब जलाना होता है तो। और ये इनका लकड़ी का पीछे घर था। हाँ ये देखो। तो भाई आंटी लोग से मिले, आंटी के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाई, बहुत अच्छा लगा। और मैंने आंटी को मेरा चश्मा गिफ्ट कर दिया। मेरा नाम पंकज है और इनका ये ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो भाई साहब एक बहुत बड़ा कांड हो गया हम लोग के साथ में, भाई साहब ने अपना हेलमेट कहाँ छोड़ दिया याद ही नहीं है। अभी जब हम लोग गाड़ी स्टार्ट करने लगे तब मुझे याद आया यार बंदे ने हेलमेट कहाँ रखा। तो मुझे जहाँ तक याद है 90% चांस है कि ये नीचे रिवर के किनारे साइड में इन्होंने चाय वाले की दुकान पर रखी हुई है। जाके आओ, वहीं पर रखा हुआ रहेगा। अब कम से कम 1 घंटा और लगेगा उसको ढूंढने में, होता है यार कभी कभी ये सब चीज़ें, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा था कि कहीं हम गाड़ी में, मेरे लॉकर है लेकिन मैं गाड़ी दूसरी जगह खड़ी कर दिया था इन्होंने दूसरी जगह, उसके चक्कर में हम लोगों ने उसको लॉक करना मिस कर दिया, तो वो मिस हो गया। तो फ्रेंड्स, चितकुल विलेज बहुत खूबसूरत है, नहीं है लेकिन घूमने का आनंद बहुत अच्छा है। मेरे साथ एक और बड़ा कांड हुआ है, मेरी लाइफ में पहली बार मैंने आज तक बियर को भी हाथ नहीं लगाया है,
नॉनवेज वगैरह की तो बड़ी दूर की बात है। इन्होंने मुझे प्रसाद के रूप में वाइन पिला दिया, मुझे लगा चरणामृत है और मैंने ले लिया। जब पिया तब मुझे पता चला यार कि इसका टेस्ट तो बड़ा अजीब है, तो उन्होंने बताया कि वाइन है लेकिन ये प्रसाद है। तो अब तो हमने गलती कर दी थी, क्या कर सकता हूँ, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर हमें उन्होंने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह प्रसाद में दिए, हमने उसको खाया और यहाँ तक आ गए। भाई चितकुल के लोगों की इतनी टफ लाइफ है कि सब्जी भी आने में कम से कम 12 घंटे लगते हैं यहाँ पर, क्योंकि चंडीगढ़ या फिर शिमला से लाते होंगे। और ये सबके अलग अलग हो गए हैं सब्जी, सब अपनी अपनी सब्जियाँ लेके जा रहे हैं। ये घर वालों का है पार्टिकुलर, एक एक जन का या फिर ये होटल एंड होम? अच्छा, आपका होटल लुक है इसका? नहीं नहीं, सब होटल का भी लेता है, गांव वालों भी लेता है, सभी लेते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या, सबका डिवाइड रहता है? ठीक है भाई। तो चलिए, अगर आज का आपको मेरा ये चितकुल का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में कमेंट ज़रूर करना और इस गांव के ट्रेडिशन के बारे में बताना, वहाँ यहाँ गांव के लोगों के बारे में बताना। इन लोग वैसे बहुत फ्रेंडली हैं। लोगों ने कहा था कि गांव के लोग अच्छे नहीं हैं, गुस्सा करने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग भी अगर आना चाहते हो तो चितकुल आ सकते हो। तो चलिए, मैं ये मेरा आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव।